खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी एक खास मंदिर की। दिल्ली में मनीष सिसोदिया को मिली आजादी की और संसद में मचे नए घमासान की। साथ ही आज कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए हेडलाइंस पर। एनआईए की बड़ी कार्यवाही, पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा वांछित आतंकवादी दिल्ली में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के प्रमुख सदस्य रिजवान अब्दुल हाजी अली को शुक्रवार तड़के गिरफ्तार कर लिया है। अली, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम था, को समूह में सबसे कुख्यात आतंकी माना जाता था। वक्फ बिल पर जेपीसी का हुआ गठन, ओवैसी समेत इन लोगों को मिली जगह। लोकसभा में रिजिजू ने बताए 21 नाम। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में जेपीसी के लिए 21 लोकसभा सांसदों के नाम प्रस्तावित किए। लोकसभा के जिन 21 सांसदों को जेपीसी में जगह दी गई है, उनमें भाजपा से जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय और डीके अरुणा को शामिल किया गया है। संन्यास के बाद पदक विजेता पीआर श्रीजेश को मिली नई जिम्मेदारी। हॉकी इंडिया ने किया बड़ा ऐलान। शुक्रवार को हॉकी इंडिया ने दिग्गज खिलाड़ी को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह अब युवा टीम को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। रामायण के बाद अब कृष्ण पर वैश्विक फिल्म का ऐलान। अमीश त्रिपाठी जपेंगे श्रीराधा रमणम। रिलायंस समूह की फिल्म निर्माण कंपनी जियो स्टूडियोज की मुखिया रही शोभा संत ने कंपनी से बाहर निकलते ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालते ही एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम श्रीराधा रमणम है और ये फिल्म भगवान श्री कृष्ण पर एक वैश्विक स्तर की फीचर फिल्म होगी। मुंबई की ही एक कंपनी प्राइम फोकस पहले से भगवान श्री राम की कथा पर एक फिल्म रामायण बना रही है। रिलायंस और इंफोसिस में मजबूती से सेंसेक्स 280 अंक चढ़ा। निफ्टी 24,350 के पार पहुंचा। शुक्रवार को सेंसेक्स 819.69 1.03% अंकों की बढ़त के साथ 79,705.91 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 250.50 1.04% अंक मजबूत होकर 24,367.50 के स्तर पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करवा देते हैं। देखिए वायरल वीडियो। अब देखा जाए तो आजादी का अमृत काल बीत जाने के बाद भी नौनिहालों को स्कूल तक का सफर दलदली रास्ते को पार करके जाना पड़े तो सरकारी सिस्टम पर यकीनन गुस्सा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तरस उन बच्चों पर आता है जो रोजाना डरते सहमते हुए इस दलदल में पैर जमाते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। जी हाँ, ये नजारा था चित्रकूट के करवी तहसील के परसौंजा गाँव का, जहाँ कीचड़ से गुजरते छात्रों का वीडियो वायरल हो गया। एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार स्कूल चलो अभियान के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं चित्रकूट में ऐसे हालात हैं जो शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार और जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं, इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज नागपंचमी भी पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। ऐसे में आज हम आपको एक विशेष मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में नाग की पूजा करने की परंपरा सदियों से रही है। इस धर्म में आस्था रखने वाले लोग सांपों को भगवान का आभूषण मानते हैं। हमारे देश में नागों के कई मशहूर मंदिर भी हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक उज्जैन में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर है,
उज्जैन के महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर ही नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रहस्य और क्या मान्यता है, चलिए आज नाग पंचमी के दिन ही आपको बताते हैं। नाग पंचमी यानी कि सर्पों का त्योहार, इस दिन सांपों की पूजा की जाती है। सावन माह में आज के दिन का विशेष महत्व होता है। नाग पंचमी की पूजा के लिए तो कई मंदिर हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। ये मंदिर है नाग चंद्रेश्वर का, जो कि उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल, दूसरे खंड में ओंकारेश्वर और तीसरे खंड में नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है। माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी में परमार राजा भोज ने करवाया था। इसके बाद महाराज राणोजी सिंधिया ने सन 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। माना जाता है कि नाग चंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा 11वीं शताब्दी में नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प शैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित है। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक नाग चंद्रेश्वर मंदिर में राजा तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। बदले में भगवान शिव ने भी उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। भगवान शिव के वरदान देने के बाद राजा तक्षक ने भोलेनाथ के साथ रहना शुरू कर दिया, किंतु महाकाल चाहते थे कि उनकी शांति भंग ना हो। यही कारण है कि इसके बाद से ही भगवान शिव नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में दर्शन देते हैं। नाग पंचमी के अलावा पूरे साल उनके मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि धरोहर है भारत के इतिहास की। नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में ढेर सारे श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए उमड़ते हैं। मान्यता है कि सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे लाखों लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आखिरकार 17 महीने यानी करीब 1.5 साल बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। जी हां, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया और ईडी की बहस सुनने के बाद मंगलवार यानी 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जहां आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है, लेकिन सिसोदिया को ये जमानत कई शर्तों के साथ दी गई है। क्या है वो शर्तें, आइए जानते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। अभी मनीष सिसोदिया तिहाड़ के जेल नंबर 1 में बंद है। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा, जमानती साथ आएंगे और बेल बॉन्ड भरा जाएगा, तब उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने सिसोदिया को कुछ शर्तों पर जमानत दी है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में आकर हाजिरी लगानी होगी। वहीं सिसोदिया की जमानत पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह ने कहा, ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा।
गौरतलब है कि सीबीआई ने सिसोदिया को पिछले साल यानी 26 फरवरी 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में और ईडी ने उन्हें उसी साल 9 मार्च को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली की हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। सिसोदिया ने मुकदमे के लंबे समय तक चलने पर जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल करने के लिए अनुमति देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को सिसोदिया और ईडी की बहस सुनी थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए थे। वहीं अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिला है। मामला राज्यसभा का है, जब शुक्रवार को जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखा संवाद हुआ। धनखड़ ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्यसभा की एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते क्या आपके पास चेयर का निरादर करने का लाइसेंस है। इससे पहले जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के टोन पर अपना विरोध जताया था। बस इसी के बाद विपक्ष ने सदन में बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इतना ही नहीं, संसद के उच्च सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए संसद में घमासान पर ये रिपोर्ट। जया बच्चन राज्यसभा में आज फिर गुस्सा हो गई। फिर से वही मामला नाम का। सभापति जगदीप धनखड़ ने फिर उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा तो वो भड़क गई। समाजवादी पार्टी की सांसद ये वही जया बच्चन है जिन्होंने इन्हीं सभापति को अपना परिचय जया अमिताभ बच्चन के रूप में दिया था। इसी सदन में वो भी तब जब जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारे जाने पर उपसभापति हरिवंश को बहुत कुछ सुना चुकी थी। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर थे, बारी जया बच्चन की आई तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा। बस क्या था, वो भड़क गई। पिछली बार उपसभापति हरिवंश के सामने उन्होंने समाज में स्त्री पुरुष विभेद और नारीवाद की बातें करने लगी थी। इस बार सभापति को बॉडी लैंग्वेज समझाने लगी। फिर क्या था, सभापति धनखड़ भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने जया बच्चन को बैठाकर ऐसा बोला कि सब सुनते रह गए। देखिए, सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी टेक योर सीट, जया जी टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। वन सेकेंड ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल में नो बैठिए बैठिए बैठिए, ऑनरेबल मेंबर्स बैठिए 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 बैठिए, आई नो हाउ टू डील विद इट, बैठिए। जया जी यू अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर, यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे। I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? No, no, no shit given to you. No, no, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No, no. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. फिर इस मसले के बाद क्या होना था, बस इसी बात के बाद विपक्ष ने सदन में बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं संसद के उच्च सदन में विपक्ष के
खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने यह प्रस्ताव पेश किया। इस बीच जेपी नड्डा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन जो मैंने आने के बाद देखा यहाँ और जो आपने कहा है, मैं ये कहता हूँ कि जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज़ दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमज़ोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूँगा कि इस घटना की जहाँ मैं निंदा करता हूँ वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूँ। हालांकि इस बात का विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। विपक्ष और जया बच्चन दोनों इस बात पर अड़े हैं कि सभापति ही माफी मांगे। जया बच्चन ने संसद के बाहर ही मीडिया से बात की और कहा, जो चेयर से कहा जाता है वो ठीक है, अगर वो चेयर राज्यसभा के चेयर से बाहर है तो वो भी एक आम इंसान, एक आम MP है, वो हमारे अन्नदाता तो नहीं है। मैंने उनके बोलने के टोन का ऑब्जेक्शन किया था। हम कोई स्कूल के बच्चे तो नहीं है, हम में से कई लोग सीनियर सिटीजन हैं। इस पूरे प्रकरण में जया बच्चन के साथ सोनिया गांधी उनका भरपूर साथ देती नजर आई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के बीच गहरी दोस्ती थी। पुराने समय के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी। किताबों और तमाम लेखों के मुताबिक राजीव गांधी के कहने पर ही स्टार अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा था। देखा जाए तो फरवरी में ही जया बच्चन का राज्यसभा से समय पूरा हो जाएगा। ऐसे में लगता है कि जाते जाते वो ऐसे मुद्दे छोड़कर जाना चाहती हैं जो लंबे समय तक याद रखे जाएं। हालांकि इस दौरान जया बच्चन भूल गईं कि वो न केवल सभापति बल्कि देश के उप राष्ट्रपति से भी बात कर रही थी। फिलहाल अब इसी के साथ मुद्दे का अंत कहां जाकर होता है ये देखने वाला विषय होगा। ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन उसके अलावा आज पूरे दिन कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी आपको बता देते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाने वाले स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा से शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी को बधाई दी और उनकी चोट पर अपडेट लिया। इस दौरान PM ने नीरज की मां के खेल की भावना को भी सराहा। वहीं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और लगातार हो रही हिंसा के बाद भारत सरकार ने बड़ी पहल की। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की खबर के बाद गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक धार्मिक उत्सव के लिए लगाए गए होर्डिंग में पूर्व वयस्क फिल्म स्टार मियां खलीफा की तस्वीर दिखाई दी, जिसके बाद बवाल हुआ और फिर फंसे उतारा गया। वहीं खेल पंचायत न्यायालय ने कहा कि विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला ओलंपिक खेलों के समाप्त होने से पहले आने की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक मुकाबले से ठीक पहले अयोग्य ठहराए जाने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद भारतीय महिला विनेश फोगाट की ओलंपिक रजत पदक जीतने की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। फिलहाल अब मुझे दें इजाजत, जाते जाते मगर आपसे एक बात जरूर करेंगे।
बांग्लादेश में हिंसा पर दुनिया के तमाम नेता चिंता जता रहे हैं। वहीं अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हमले की आलोचना कर रहे हैं। भारत के हिंदूवादी संगठनों ने इसे रोकने की भी अपील की है, लेकिन इतना सब होने के बाद विपक्ष के नेताओं का इस मसले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी नेता ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की ना तो आलोचना की और ना ही किसी तरह का विरोध जताया। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस मुद्दे पर सरकार का रुख अलग है। इस कारण से विपक्षी नेता कोई बयान नहीं दे रहे हैं। जहां ये भी याद रखने वाली बात है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व चर्चा में रहता है, वे मंदिरों में भी जाते हैं। उनकी ओर से भी बांग्लादेश में हिंसा पर ना तो कोई बयान आया और ना ही सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई ट्वीट किया गया। राहुल गांधी उन विपक्षी नेताओं में है जो देश विदेश के तकरीबन सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं। उनकी सक्रियता लोगों को अच्छी भी लगती है, लेकिन बांग्लादेश हिंसा मसले पर मौन समझ से परे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत आज के सुविचार के साथ। चलते रहे बस एक ही राह को पकड़कर, मंजिल खुद आपका हाथ थाम लेगी।